अगर और वहाँ से हमने भी एक लिया ये भैया जी, तो यहाँ पे अपना वेज बिरयानी आ चुका है। यहाँ पे भी हमने एक लिया था, छाछ लिया था, और वेज बिरयानी के साथ में भैया ये कुछ प्याज और दही की कुछ चटनी टाइप का जो यहाँ पे भी बहुत खाया जाता है, और ये पिकल। हेलो जी भैया, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे है कि फिलहाल भैया हम हैं कर्नाटक के मैंगलोर में हैं, और आज की भैया जो हमारी जर्नी होने वाली है वो कर्नाटक के मैंगलोर से लेके कर्नाटक के बैंगलोर तक होने वाली भी है। और आज हम भैया ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, फिलहाल हम रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले मैंगलोर जंक्शन। यहाँ से लगभग 5 मिनट का कुछ डिस्टेंस है, हम रेलवे स्टेशन आ गए। और भैया आज हमारी जो ट्रेन में जर्नी होने वाली है वो भैया ट्रेन नंबर है 16576 मैंगलोर टू यशवंतपुर एक्सप्रेस में, जो कि भैया वीक में 3 ही दिन चलती है, वो भी सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन चलती है। फिलहाल ये रहा सामने भैया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे मैंगलोर जंक्शन का फटाफट जाते हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, और टिकट हमको सबसे पहले परचेस करना है। टिकट लेके फटाफट हम जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, बाकी की भैया आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ का भैया ला मैंगलोर जंक्शन का रेलवे स्टेशन। हाँ जी भैया, तो फिलहाल हम रेलवे स्टेशन पर आ गए भैया मैंगलोर जंक्शन पर। हमारी ट्रेन भैया ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यहाँ पर लगी हुई है। अभी इस ट्रेन के थोड़ी जानकारी के बारे में हम आपको बता देते हैं। इस ट्रेन का भी एवरेज स्पीड है 39 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर। ये टोटल 357 किलोमीटर कुछ कवर करेगी। ले लिया है अब जो भी हमने प्लेटफॉर्म से टिकट लिया भाई, उसमें हमारे को सीट नंबर नहीं आता है, तो हमको जाके कोई भी ऊपर की जो सीट है उसको हमको लेना होगा। बाकी अभी चलते हैं, लगभग 11:30 बजे के करीब यहाँ से कुछ ट्रेन निकल जाएगी। और ये रहा अपना भैया ट्रेन। हेलो जी भैया, तो सीन्स कुछ ऐसे कि फिलहाल भैया हम ट्रेन में अपना बैठ चुके हैं, और अभी 11:30 बजे कुछ ट्रेन यहाँ से निकलने वाली भी। और भैया ये ट्रेन टोटल 14 प्लेटफॉर्म कुछ कवर पूरा है, लगभग रात के 7:45 बजे हम कुछ पहुँचने वाले हैं। फिलहाल हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ पे भी पूरी ट्रेन खाली है, अभी उठना पड़ सकता है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से यहाँ से निकल रही है, तो अभी बस बैठेंगे। और अभी हमने जस्ट चाय और बिस्किट थोड़ा लिया है क्योंकि हम सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था, आज उठने में लेट हो गया। अब बस यहाँ से ट्रेन निकलने वाली, फिर चलते हैं और आपको जर्नी पूरी दिखाते हैं। हाँ जी भैया, तो ये ट्रेन भैया टोटल 9.5 घंटे की कुछ जर्नी कवर करती है भैया, जो कि भैया कर्नाटक के मैंगलोर से लेके कर्नाटक के यशवंतपुर तक की ये पूरी जर्नी है, जो कि 9.5 घंटे तक में दूरी तय करती है। और फिलहाल भैया ये है प्लेटफॉर्म के बाहर का सीन है, ये लास्ट प्लेटफॉर्म 3 नंबर पर भी हमारी ट्रेन लगी हुई है। तो हमारी ट्रेन फिलहाल मैंगलोर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल चुकी है, अभी फिलहाल 11:30 बजे रहे ये कुछ टाइमिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से निकल चुकी है हमारी ट्रेन। पहुँची बटवल जंक्शन पे पहुँची भैया, यहाँ पे भी 1 मिनट का स्टॉपेज है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। और यहाँ पे भी आने का टाइमिंग था 11:59 पे, और 1 मिनट यहाँ से 12 बजे यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन 5 मिनट बिफोर पहुँची है। अभी मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन लगभग पूरी खाली है अभी, और जैसे पैसेंजर आके आके ट्रेन जाती रहेगी तो पैसेंजर फुल होते जाएंगे। बाकी चलते हैं, और वहाँ पर ट्रेन का सिग्नल दे दिया। सीन्स कुछ ऐसे कि फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंची भैया सुब्रमण्यम रोड जंक्शन पहुंची, यहाँ पे भैया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है, और यहाँ पे भैया लगभग ट्रेन 10 मिनट डिले पहुंची है। और अभी भैया ये रहा स्टेशन है, स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यहाँ पे भैया कुछ है 10 मिनट का हॉल्ट है। और भैया अभी तक ट्रेन ने 85 किलोमीटर कुछ कवर कर लिया, अब यहाँ से भैया निकलेगी तो कुछ छोटे मोटे 2-3 स्टेशन आएंगे जहाँ पे 1-1.5 मिनट का हॉल्ट है, बाकी फिर बड़े स्टेशन आएंगे लगभग 3-3.5 बजे आएंगे। और ये है भैया कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है यहाँ का सुब्रमण्यम रोड। भैया हमारा ट्रेन निकलने का समय हो गया, और वहाँ से हमने भी एक लिया ये छाछ लिया है, और अभी भैया हम लिए हैं वेज बिरयानी लिए, अभी ट्रेन में आए थे भैया तो उनसे ले लिया है, लेकिन इसका कुछ कॉस्ट है 50 रुपीज़ कुछ था, और इसका छाछ का 10 रुपये भी इसको खाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने का ऐसे मिलने वाला नहीं, तो जो भी है वेज बिरयानी एक बार खा लेते फिर चलते। भाई ये रहा अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1,
और यहाँ से भी हमारे जो नेक्स्ट स्टेशन होगा लगभग लगभग 3 बजे कुछ आसपास आने वाला, जो कि बड़ा स्टेशन है। इसके बीच में 2 स्टेशन आएंगे, वो छोटे छोटे आएंगे, जब लगभग 1 मिनट का आउट होगा। तो मैं आपको सीधे शिफ्ट 3 बजे मिलूंगा जब बड़ा स्टेशन आएगा। भैया जी, तो हमारी ट्रेन निकल रही है सुब्रमण्यम रोड जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है हमारी ट्रेन। और यहाँ के भैया कुछ ये नज़ारे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के। भाई साहब, एक चीज़ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो हरियाली कर्नाटक में है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल के भाई साहब। जो रास्तों से गुजर रही ट्रेन, नीचे झरने आ रहे, पानी आ रही, नदियां आ रही है, एकदम हरियाली है, बड़े बड़े नारियल्स के पेड़ लगे हुए जी। तो भैया जी, तो यहाँ पे अपना वेज बिरयानी आ चुका है। यहाँ पे भी हमने एक लिया था, छाँस लिया था, और वेज बिरयानी के साथ में भैया ये कुछ प्याज और दही की कुछ चटनी टाइप का, जो यहाँ पे भैया बहुत खाया जाता है। और ये पिकल लिया है भैया, और ये वेज बिरयानी हेलो जी भैया, तो सीन्स कुछ ऐसे कि फिलहाल भैया ट्रेन पहुंचे शंखलेश्वर, पूरे स्टेशन पहुंची हुई है। यहाँ पे भैया इस ट्रेन का आने का टाइम था 3:35, और यहाँ से 3:45 पे इसका जाने का टाइमिंग था। ट्रेन लगभग लगभग भैया 10 मिनट लेट आई, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे भैया लगी हुई है अभी ट्रेन। एग्जिट ट्रेन हमारी निकलने वाली है आज ही भैया। तो फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है भैया शंखलेश्वर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और इसके बाद भैया जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो भी हसन स्टेशन आने वाला है। वो भी ट्रेन चल रही है, वो भी लगभग लगभग 4:30 के करीब आएगा। जी भैया, तो सीन्स कुछ जैसे कि फिलहाल भी हमारी ट्रेन पहुंचे चेन्नई पटना स्टेशन है करके, भैया यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट है, और भैया अभी अनाउंस भी हो गया। तो भैया ये ट्रेन लगभग लगभग 7 मिनट डिले पहुंची, 5:24 पे इसका यहाँ पे आने का टाइमिंग था, और अभी भैया 5:33 हो गए। फिलहाल भैया ट्रेन हमारी यहाँ से निकल गई है पूरे 1 मिनट स्टॉप होने के बाद में, और ये स्टेशन का भैया, इस ट्रेन का भैया ये 7वां हॉल्ट है, और अभी तक 216 किलोमीटर भैया कुछ जर्नी कवर कर दी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक भैया 2 पे लगी थी हमारी ट्रेन यहाँ पे, और यहाँ से निकल रही है ट्रेन चेन्नई पटना जंक्शन। भैया कर्नाटक के जो भी स्टेशन हैं ना, उसके नाम थोड़े प्रोनाउंस करना थोड़ा ज़्यादा ही कठिन लग रहा है, क्योंकि नाम ही यहाँ के थोड़ा अलग है। वैसे यहाँ से ट्रेन निकल रही है, और नज़ारे काफ़ी सही है यहाँ के। फाइनली अभी हम भैया पहुंच गए हैं यशवंतपुर जंक्शन में पहुंच गए भैया। यहाँ पे आने का टाइमिंग था 8:45, और भैया आधा घंटा लेट आई है गाड़ी। अभी कुछ भैया 9:15 हो रहे हैं।